बराबर, जिन्हें बिहार का देवभूमि और मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यहाँ 1100 फीट पर बसे हैं सिद्धेश्वर नाथ महादेव। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम ले चलेंगे आपको बराबर, बिहार के जहानाबाद जिले से 28 किलोमीटर दूर बराबर पर्वत पे, जहाँ देवों के देव महादेव सिद्धेश्वर नाथ विराजमान है। भारत की अमूल्य पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संगम भी है बराबर। धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक रूप में बराबर की पहाड़ियाँ, अति प्राचीन गुफाएं, भगवान शिव का मंदिर, सरोवर और आसपास की हरियालियों से घिरा बराबर पहाड़ पर मौजूद सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है। का निर्माण 7वीं शताब्दी में गुप्त काल के दौरान कराया गया था। हालांकि इसे लेकर दंत कथाओं में यह भी प्रचलित है कि राजगीर के महाराजा जरासंध द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। यहां से गुप्त मार्ग राजगीर किले तक पहुंचता था। इसी रास्ते से राजा पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर आते थे। पहाड़ी के नीचे विशाल जलाशय पाताल गंगा में स्नान कर मंदिर में पूजा अर्चना करते थे। बराबर श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर सिद्धेश्वर नाथ महादेव मंदिर, हजारों साल पुराने इस शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए सालों भर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन सावन में यहाँ श्रद्धालुओं का बड़ी भीड़ लगा रहता है। बराबर न केवल पहाड़ और जंगल के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि औषधियों, पौधे और लौह अयस्कों के लिए भंडार है। यहाँ 1100 फुट ऊंचे इस पहाड़ को मगध का हिमालय भी कहा जाता है। यह देश के बेहद पुराने पहाड़ों में से एक है। बराबर की पहाड़ियों पर कुल 7 गुफाएं हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें से 4 बराबर पहाड़ियों पर और 3 आसपास के ही नागार्जुन पहाड़ियों पर है। पहाड़ों को सावधानी से काटकर हजारों साल पहले इंसान ने बेहद सुंदर गुफाओं बनाया था। इनमें से कई गुफाएं की दीवारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यह गुफा 322 से 185 ईसा पूर्व मौर्य काल में बनी मानी जाती है। इसमें सम्राट अशोक के शिलालेख आज भी पाया जाता है। इनका निर्माण सम्राट अशोक के आदेश पर आजीविक संप्रदाय के बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए बनाया गया था। हिस्ट्री तो हो गया, अब चलते हैं पूजा अर्चना करने। हर हर महादेव। शंकर प्रकट शुभंकर प्रलय भ।
సంగమై ఆవహించరా ధమఢమఢమని డమరుక ధ్వని చలిపి చడదని వదిలించరా శ్రీవాయులింగమై సంచరించరా అడువడు అడువున తన తనువున నిలిచి చలనమే కలిగించరా అస్మం చేసే అసురుడే అగ్నిలింగమై